इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। नमस्कार, मैं सुधा चंद्र क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। आई लव यू ये सुनने और बोलने में कितना अच्छा लगता है ना, लेकिन मोहब्बत भी तभी अच्छी लगती है जब उसमें सच्चाई हो। मुझे वो फोन रिकॉर्ड्स आज के आज चाहिए। सर, सर मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। सर अभी नमाज पढ़ रहे हैं, आप बैठिए थोड़ी देर। हम सब की चाहत है कि जीवन में हमें सच्चा प्यार मिले, लेकिन आज की जेनरेशन को जितनी जल्दी प्यार हो जाता है उतनी ही जल्दी प्यार का भूत उतर भी जाता है। जितनी बार हम पलके नहीं झपकाते उतनी बार ये लोग आई लव यू बोल देते हैं, और कुछ लोग इस आई लव यू को लोगों को धोखा देने के लिए या फरेब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सर आपसे मिलना चाहती हूँ। माफ कीजिएगा, आपको इंतजार करना पड़ा। आप बैठिए, बताइए क्या शिकायत है आपकी। सर मेरी दोस्त नीलम और उसकी 5 साल की बेटी 4 दिनों से गायब है और उनका कुछ अता पता नहीं चल रहा है। आपको कैसे पता चला कि वो गायब है? सर क्योंकि 4 दिन पहले नीलम ने मुझे मैसेज किया था कि वो अपने पति को चाकू मार के घर से भाग गई है, और उसके बाद से उसका फोन बंद आ रहा है। ऐसा क्या हुआ था कि आपकी दोस्त ने अपने पति को चाकू मार दिया था? सर इसमें सारी गलती नीलम की ही थी। मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश करी लेकिन लेकिन वो नहीं मानी। क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही है। एक दोस्त से बात कर रही हूँ, ऑनलाइन मिला है। ऑनलाइन मिला है और तू उससे बात कर रही है? नीलम तेरा ना दिमाग खराब हो गया है यार, तू ऐसे किसी अनजान से कैसे बात कर सकती है? अरे तो टेंशन मत ले यार, वो आदमी बहुत अच्छा है। इनफैक्ट मैं उससे भी मिलने भी जा रही हूँ। व्हाट, तू उससे मिलने जा रही है? यार तुझे पता नहीं है क्या कि ऑनलाइन मिलने वाले लोग कितना फ्रॉड करते हैं? धारा तू खामा का बात का पतंगड़ बना रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ मिलने ही जा रही हूँ। रिलैक्स, सी यू लेटर, बाय 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 बाय। हाय। हाय, आइए प्लीज। थैंक यू। पानी? नो थैंक यू। आप पहले कुछ ऑर्डर कर दें, यहाँ ऑर्डर आने में बहुत टाइम लगता है। लगता है आप यहाँ अक्सर आते रहते हैं। आप कई बार अपने कलीग्स के साथ आ जाता हूँ, आप ऑर्डर करिए ना प्लीज। वेटर, थैंक यू। खाइए प्लीज। अर्जुन जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी। हाँ बोलिए ना। देखिए मैं किसी कैजुअल रिलेशनशिप में रहना नहीं चाहती। 3 साल पहले मेरा डिवोर्स हो गया, 5 साल की मेरी बच्ची है। ओके। मैं अपने अधूरे घर को दोबारा बसाना चाहती हूँ। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। नीलम जी, अच्छा हुआ आपने सब कुछ साफ साफ बता दिया, मैं भी अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जी जी बताइए ना। एक्चुअली पहले मैंने सोचा था कि सिंगल लाइफ गुजारूंगा, लेकिन अब मुझे एक परमानेंट साथी की जरूरत महसूस हो रही है। मैं किसी कैजुअल रिलेशनशिप पे नहीं पढ़ना चाहता हूँ, सीधा शादी बस। आप जानते हैं मेरी लाइफ में ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरी बेटी है, सबसे पहले ईशानी, उसके बाद मेरी बेस्ट फ्रेंड है धारा। आप उन दोनों से मिलना चाहेंगे? हाँ श्योर, आपकी फैमिली मेरी फैमिली। रियली? हाँ। मतलब उसका नाम अर्जुन नहीं था? नहीं सर, उसका नाम अर्जुन नहीं था, और वो बल्कि एक धोखेबाज था। उसके ना जाने ऐसे कितने नाम थे, और उसने नीलम से जब शादी करी उसके बाद नीलम को पता चला कि उसका असली नाम तो
आदिल था, अर्जुन नहीं। आदिल? ऐसा ही लोग मजहब का नाम खराब करते हैं। सर, हर धर्म और हर शहर में ऐसे लोग मिल जाते हैं। आप उसका एड्रेस दीजिए। राजकुमार, गाड़ी निकलवाओ। जी। आप लोग? हमें आदिल से मिलना है। आप उसके पिता हैं? जी। कहाँ है वो? जी, वो अंदर है, जख्मी बिस्तर पर लेटा हुआ है। हमें उससे मिलना है। आदिल से मिलना है। आइए साहब, आइए। हेलो। लड़ाई इस घर में नहीं होती है। मेरी एक छोटी सी बात पर इलम के साथ तू तू मैं हो गई थी। राजा ने उसे इतना गुस्सा क्यों आ गया कि उसने मेरे पेट में चाकू मार दिया, और ईशानी को लेकर पता नहीं कहाँ चली गई। पिछले 4 दिनों से आपकी बेटी और बीवी गायब हैं, और आपने रिपोर्ट तक नहीं लिखवाई, क्यों? कैसे लिखवाते साहब, 2 दिन से तो बेहोश पड़ा था ये। आदिल, आदिल, तो आप लोग यहां नहीं रहते हैं? नहीं साहब, हम यहां नहीं रहते। अगर हम यहां होते तो ये सब होता ही नहीं। हम गांव में रहते हैं साहब, और हमें तो ये भी नहीं मालूम था कि इसने शादी कर ली। वो तो एक पड़ोसी ने फोन करके बताया कि आदिल ने दूसरे मजहब की लड़की से शादी कर ली है। हमने जैसे ही सुना हम फौरन यहां आ गए, और यहां आकर इस शादी की असलियत पता चली हमें। अरे यार, इस वक्त कौन आ गया? अमीर बाबू, आप लोग अचानक किस तरह से? तुमने शादी कर ली और हमें बताना तक जरूरी नहीं समझा? मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी जीना चाहता हूं। हर बात आप लोग को बतानी जरूरी नहीं है। अपनी जिंदगी जीने के लिए दूसरों की जिंदगी खराब नहीं करते। अर्जुन, ये लोग कौन है? नमस्ते बेटा, हम इसके अम्मी अब्बू हैं, और इसका नाम अर्जुन नहीं, आदिल है। तुमने इससे शादी कर ली, और तुम्हें इसका असली नाम नहीं पता? हमें माफ कर दीजिए बेटे, हमारे बेटे ने तुम्हें बहुत बड़ा धोखा दिया है। सच मानिए, हमें इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था। जिसने अपने रिश्ते की बुनियाद झूठ और फरेब पे की हो, उस पर क्या भरोसा किया जाए? नीलम, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं मानता हूँ मैंने झूठ बोला है, मैं मानता हूँ। मैंने तुम्हें सच इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था सच जानने के बाद तुम शादी नहीं करोगी मुझसे। मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ तुम्हें खोने के डर से किया। मेरा यकीन करो, मैं सच बोल रहा हूँ। आदित, बस
आज मम्मी मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं अपने रिश्ते को तोड़कर नहीं जाऊंगी। बेटा तुम्हें समझाना हमारा फर्ज था, आगे तुम्हारी मर्जी। वैसे हमारा बेटा तुम जैसी लड़की के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तो डर है कि आगे चलकर तुम्हें अपने फैसले पर अफसोस ना करना पड़े। कहते हैं हर नए रिश्ते की शुरुआत सच्चाई से होनी चाहिए, तभी वो रिश्ते मजबूत बनते हैं। नीलम ने अपनी तरफ से इस नए रिश्ते की शुरुआत सच्चाई से की थी, लेकिन आदिल ने ऐसा नहीं किया। उसने बहुत बड़ा झूठ बोला था। हर इंसान को अपनी गलतियां सुधारने के लिए एक मौका जरूर मिलना चाहिए। आदिल के माँ बाप उस पर भरोसा नहीं करते थे, लेकिन नीलम ने एक बार फिर से आदिल पर भरोसा जताया था। बहुत अच्छी लड़की थी साहब, ये जो आप घर देख रहे हैं, ये शानो शौकत देख रहे हैं, सब उसी की कमाई से। अगर उसने इसके चाकू मारा है ना, तो जरूर इसकी कोई गलती रही होगी। इंस्पेक्टर साहब, नीलम बहुत ही मासूम और भली लड़की है, न जाने इस वक्त वो अपनी छोटी सी बच्ची के साथ कहां भटक रही होगी। अब उसे कैसे भी ढूंढ निकालिए। जी मम्मी, मम्मी मुझे मम्मी चाहिए, मम्मी आओ, मम्मी मम्मी चाहिए मुझे, मम्मी आओ ना मम्मी। हाँ राजकुमार बोलो। सर ये केस कुछ समझ नहीं आ रहा। आदिल ने अपना नाम बदलकर नीलम को धोखा दिया और उससे शादी की। ये हकीकत जानने और उसे माफ करने के बाद भी नीलम ने उसे चाकू क्यों मारा? यही तो सब कुछ जानना है राजकुमार। कुछ पता चला? सर नीलम के फोन की लास्ट लोकेशन रेस्टोरेंट की दिखा रही है, पर रेस्टोरेंट के सीसीटीवी में ना तो नीलम नजर आ रही है और ना ही उसकी बेटी ईशानी। इस फैमिली में कुछ तो गड़बड़ है। नीलम की फ्रेंड धारा से एक बार बात करते हैं। जी। नीलम रांची की रहने वाली थी सर, और वो मेरे ही स्कूल में पढ़ाती थी। 2 साल पहले उसका तलाक हो गया था, और उसके बाद से ही वो मेरे घर में किराए पर रहती थी। आदिल ने उसे एक झूठ नहीं बल्कि कई झूठ बोले थे सर, इसलिए वो परेशान रहती थी और वो मुझे हर बात बताया करती थी। आदिल ने उसका जीना मुश्किल कर दिया था। ईशानी चलो जल्दी करो, चलो देरी हो रही है, चलो 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 जल्दी से अपना बैग पहनो। अर्जुन उठ जाओ। अर्जुन मैं कई दिनों से देख रही हूँ तुम ऑफिस नहीं जाते, तुम्हारे ऑफिस वाले तुम्हें इतनी छुट्टी देते हैं क्या? मेरा काम ही घर से हो जाता ना तुम। सही है, तुम्हारे तो मजे हैं, लकी हो। अच्छा सुनो मैंने खाना बना के रख दिया है, तुम टाइम से खा लेना, ठीक है? मैं निकलती हूँ। ओके बाय बाय। चलो बेटा चलो जल्दी। आदिल कहाँ है? वो अंदर है, सो रहे हैं। क्या बात है? हफ्ते भर से गैरेज नहीं आया वो। गैरेज? पर गैरेज क्यों आएंगे वो? क्यों आएगा मतलब? वो वहाँ काम करता है। सही कहते थे तुम्हारे मामा, तुमने अपने नाम के बारे में नहीं बल्कि अपने काम के बारे में भी झूठ बोला है। तुम एक नंबर के झूठे और मक्कार इंसान हो, सुधरोगे नहीं तुम कभी भी। बकवास कर रही है? क्या बकवास कर रही है? नीलम, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला है। तुमसे मिलने से पहले मैं एक आईटी कंपनी में जॉब करता था, ये सच। बाद में इस कंपनी ने बहुत सारे एम्प्लॉयज को निकाल दिया, ये कहकर कि कंपनी लॉस में जा रही है, उसमें मैं भी एक था। लेकिन तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए ना, मैंने किसी काम को छोटा नहीं समझा, जो काम मिला उसे किया। नीलम सच कह रहा हूँ, तुम देखना जल्दी मुझे दूसरी कंपनी में जॉब मिलेगी
उसके बाद मैं तुम्हें खूब खुश रखूंगा, हनी बना के रखूंगा तुम्हें, सच कह रहा हूँ। मम्मी पापा को माफ कर दो ना। मारपीट करता था उसके साथ, एक नंबर का झूठा आदमी है वो, सिर्फ अपने काम और नाम के बारे में ही झूठ नहीं बोला, बल्कि उसने तो एक और बहुत बड़ा सच छुपाया है। सच छुपाया? कैसा सच? आ रही हूं जी। कहिए। अरे अरे कौन है आप, और ये मेरा कबर्ड क्यों खोल रही हो अब? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, अजीब बदतमीजी है। देखिए मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ, कौन है? एक मिनट रुको, अच्छी दादागिरी है तुम्हारी। एक तो पहले तुम घर में घुसी चली आए, अब ऊपर से सामान भी उठा के ले जा रही हो। कौन तुम? मैं तुम्हारा भविष्य हूँ। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? अपना सामान लेने आई थी मैं। आदित कौन है ये औरत? नीलम ये वो। ये क्या बोलेगा, मैं बताती हूँ। सबा नाम है मेरा, तुम्हारी तरह मुझे भी फंसा कर इसने शादी की थी, बहुत गलत फंस गई थी। अभी भी मौका है, भाग जा। बहुत बड़े धोखे पास होते। अरे इतना क्या भड़क रही है, तू कौन सी कोरी मिली थी मुझे? मेरा भी डिवोर्स हुआ था ना, मेरा भी तलाक हुआ है, इतना क्या नाटक कर रही है? सच सच बता मुझे क्या हुआ है। उसने हर बात मुझसे झूठ बोली है, अपनी नौकरी के बारे में, अपने नाम के बारे में, यहाँ तक कि अपनी पहली शादी के बारे में, सब कुछ झूठ। तो तू उसे छोड़ क्यों नहीं देती है नीलम? दारा किस किस को छोड़ूंगी मैं, किस किस को छोड़ूंगी? ऑलरेडी मेरा एक डिवोर्स हो चुका है, अब अगर फिर से ऐसा कोई कदम उठाऊंगी तो तेरी शादी पे क्या असर होगा? वो आदिल को पापा मानती, कैसे छोड़ दूं? कैसे छोड़ दूं? सुन मेरी बात, तू बिल्कुल परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? अच्छा एक बात बता, कल सैटरडे है, शनि मंदिर चलेगी? हाँ आऊंगी, बहुत समय हो गया मैं भी नहीं गई हूँ वहाँ पे। ठीक है। अच्छा ये बता, कॉफी पिएगी? मैं बना के लाती हूँ, ठीक है? हम सब के जीवन में एक ऐसा पड़ाव आता है जहाँ हम खुद के लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए जीने लगते हैं। आदिल के बार बार धोखा देने के बावजूद नीलम यही कोशिश कर रही थी कि वो अपनी शादी को सही पटरी पे लाए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी अपने परिवार को टूटते हुए देखे। अक्सर टूटे हुए परिवार के बच्चों का भरोसा परिवार, रिश्ते, प्यार, इन सब पर से उठ जाता है। एक सही सोच के लिए नीलम उस गलत इंसान के साथ समझौता कर रही थी, जिसकी बहुत बड़ी कीमत ना सिर्फ उसको बल्कि उसकी बेटी को भी चुकानी पड़ेगी। बेटा ईशानी, मंदिर जाना है या नहीं? चलो अगर खाकर हो गया तो हाथ मुंह धो लो, चलो जल्दी। अरे ईशानी बेटा, जरा मेरा ट्राउजर लाना, भूल गया मैं। आ, मम्मी। ईशानी क्या हुआ, क्या हुआ बेटा? अरे मंदिर मंदिर छोड़ो, डॉक्टर पर लेकर जैसे तुरंत जाओ। चलो बेटा, मम्मा यही है, हाँ चिंता मत करो, जाओ। तुझे लगता है कि ये सिंपल सी बात है? तू जब भी ईशानी के साथ मंदिर जाने की बात करती है,
हर बार कुछ ना कुछ हो जाता है। What is this, बेटा? आपने अभी तक अपना फूड खत्म नहीं किया, जल्दी से फिनिश करो, चलो आरती करेंगे फिर। आ जाओ। This is, ये लो बेटा, दूध पियो। Good girl. ईशानी, क्या हो गया? हाँ, क्या हो गया? तू ठीक है ना? क्या हुआ बेटा? तुमको पता नहीं? हाँ, तुम ठीक हो ना? क्या खाया? ठीक हो ना? मुझे तो लगता है कि ये सब ना आदिल का किया हुआ है। धारा प्लीज चुप हो जा यार, ये सब बेकार की बातें करना बंद कर। देख मैं अच्छे से जानती हूँ, आदिल ईशानी से बहुत प्यार करते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। प्लीज ईशानी, बेटा ठीक हो ना? आज अरे ये तो बहुत बहादुर बच्ची है, बहुत जल्दी सही हो जाएगी। ये डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दिया, आप इसे टाइम पे लगा दीजिए। जी थैंक यू। चले मेरा बच्चा, कम चल। सब झूठ, धारा सब झूठ बोल रही है सर। ईशानी को तुम्हें अपनी बेटी से बढ़कर मान। लेकिन धारा झूठ क्यों बोलेगी? क्योंकि वो मुझे पसंद करती थी। नीलम, नीलम शायद ऊपर कमरे में होगी। नीलम कहाँ है? नीलम तो अभी बाथरूम में है, तब तक तुम मेरे साथ बैठ लो। घर पे कोई नहीं क्या? वो सब छोड़ो और ये बताओ मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? ऐसा क्या है उसमें जो मुझ में नहीं है? और फिर वो तो एक बच्चे की माँ है, डिवोर्सी है, और मैं कुवारी हूँ। मैंने धरा को बहाने दिया और नीलम से शादी कर ली, बस इसीलिए मुझसे चिढ़ने लगी वो। सर मैंने नीलम से कभी कोई झूठ नहीं बोला, शादी के बारे सब कुछ सच सच बता दिया था मैंने उसे, लेकिन मेरे और नीलम के बीच का बढ़ता प्यार धरा को हजम नहीं हो रहा था। जरूर उसी ने नीलम के कान भरे होंगे, तभी तो हर छोटी छोटी बात पे मुझसे झगड़ा करने लगी, मुझ पर शक करने लगी वो। या फिर वो अमर, हो सकता अमर ने कुछ किया। अमर? ये अमर कौन है? नीलम का पहला पति सर, उसने धमकी दी थी नीलम को। चल तुम्हें पापा को बताया कि तुम क्या क्या चॉइस लोगी और क्या खाओगी? बेशरम औरत, तूने दूसरे धर्म के आदमी से शादी कर ली, मैं इसको दूसरे धर्म का नहीं होने दूंगा, मैं इसे अपने साथ लेके जाऊंगा। बात करो, हाथ छोड़, हाथ छोड़, छोड़ो, हाथ छोड़, हाथ छोड़, अरे, अरे छोड़ो, हाथ छोड़, अरे छोड़ो, छोड़ो, हटो तो पीछे। बस करो ये सब बकवास। इधर बेटा, तुम्हारी समझ में नहीं आता
अब तुम्हारा हमसे कोई लेना देना नहीं है। और इस शादी का अच्छा बुरा मैं देख सकती हूँ, निकलो यहाँ से। छोड़ूंगा नहीं तुझे, मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ चल भाग, चल निकल। अमर को हमारी शादी के बारे में जरूर धरा ने बताया होगा ताकि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम खड़ी कर सके। ये अमर रहता कहाँ है? सर अच्छे से तो पता नहीं है, लेकिन वो बड़े बाजार में एक मेडिकल शॉप है, मैंने अक्सर उसको वहीं देखा है। राजकुमार, आदिल जिस अमर के बारे में बात कर रहा था उसका पता लगाओ और थाने बुलाओ। जी। वो मेडिकल शॉप तुम्हारी है? नहीं सर, मैं वहाँ पे काम करता हूँ। नीलम कहाँ है? क्यों, ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? उसने आदिल नाम के आदमी से शादी कर ली है, उसे जाके पूछिए, एक नंबर का फ्रॉड आदमी है। नीलम के साथ तुम्हारा डाइवोर्स हो चुका है तो फिर तुम आदि के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो? नीलम को स्टॉक कर रहे थे? सर मैं स्टॉक नहीं कर रहा था, आदिल के घर पे मेरी बेटी थी इसलिए मैंने उसके बारे में खबर निकाली। एक नंबर का फ्रॉड था वो, मुझे नीलम पे बहुत गुस्सा आया। मेरी बेटी का बाप बनाने के लिए उसने ऐसे इंसान को चुना। ईशानी की वजह से मैं उन लोगों पर नजर रखने लगा था। तुम्हें इस बात से प्रॉब्लम थी कि वो दूसरे धर्म का है? मुझे धर्म से क्या लेना देना सर, इंसान अच्छा होना चाहिए। वैसे आदिल जैसे इंसान किसी भी धर्म में पैदा हो सकते हैं। राजकुमार, जिस रात नीलम ने आदिल को चाकू मारा उस रात नीलम के फोन का लोकेशन रेस्टोरेंट है, लेकिन उसी रात ये अमर रेस्टोरेंट में क्या कर रहा है? ये गुत्थी तो उलझती जा रही है। मैं हूं ना बच्ची, एकदम मत घबराना तू, मैं तुम्हें यहाँ से लेके जाऊंगा, ठीक है? अभी दरवाजा खोलता हूँ। अंकल अभी खोलो। हाँ हाँ अभी खोल रहा हूँ। अंकल मुझे छोड़ दो, अंकल छोड़ दो मुझे। सर बताता हूँ, सर जितना पता है मुझे बताता हूँ। रोड के उस तरफ आदिल खड़ा था एक बाइक के साथ। सर आदमी आदिल के पास गया तो आदिल ने बाइक स्टार्ट की और दोनों निकल गए। झूठ बोल रहा तू। सर मैं सही कह रहा हूँ, आदिल जब नीलम वहां गई थी तो आदिल को चाकू मारकर वहां गई थी। आदिल को चाकू लगा हुआ था, वो घर से बाहर कैसे निकलता? वो तो बिस्तर पे था। बता सच सच। सर यही है वो। पक्का? हाँ सर यही है। सर इस अमर की बात पे यकीन कैसे करें, यहाँ तो कोई सीसीटीवी कैमरा ही नहीं है। तो उस दिन वो आदमी बाहर आया था और आदिल उसके साथ ही बैठा था, ये अमर सच बोल रहा है झूठ मेरे को समझ में नहीं। राजकुमार ऐसा भी हो सकता है कि ये अमर और नीलम मिले हुए हैं और अमर ने आदिल को चाकू मारा हो और यहाँ पर आकर नीलम अमर की मदद से भाग गई हो। सर मैंने मैनेजर से ही बात की पर उसे भी कुछ ठीक तरह से याद नहीं। सर मेरे पास कुछ है आप लोगों को बताने के लिए। हाँ तो बताओ। इसके पास क्या हो सकता है?
देखते हैं। सर ये मोबाइल मुझे 4-5 दिन पहले ही बाजू में पड़ा मिला था। पुलिस को पूरी तरह से ये केस समझ में नहीं आ रहा था और ना ही उन्हें नीलम और ईशानी की कोई खबर मिल रही थी। जितने भी टैक्सी वाले थे, बस वालों से उन्होंने पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी नीलम और ईशानी को नहीं देखा था। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि नीलम के दोनों पतियों में से कौन सच्चा था और कौन झूठा। क्या हुआ राजकुमार? सर जिस आदमी की पहचान अमर ने की थी उसे पकड़ लिया है। कैसे पता किया? सर उसने रेस्टोरेंट में ऑनलाइन पेमेंट किया था, रेस्टोरेंट से उसका नंबर मिला और नंबर को ट्रैकिंग के लगा दिया। गुड, चलो करते हैं खातिर दारू इसकी। आ जाओ। रेस्टोरेंट में आदिल के साथ क्या कर रहा था? आप वो अमर झूठ बोल रहा है। अमर ने उस लड़की ने मुझे काम दिया था कि नीलम का मोबाइल तोड़कर वहां पर फेंकना है। लड़की कौन थी? वो लड़की धारा नाम उसका। देखेगा तो पहचान लेगा। हाँ पहचान लूंगा। पता कौन है? हाँ, ये लड़की थी। ये थी बता सच सच बता क्या था। बताता हूँ सब बताता। आदिल ने बोला था इसे बोलने के लिए। नीलम कहाँ है? वो सर मैंने आपसे बताया था ना, वो भाग गई कहीं। सच सच बता दे, हमने तेरे दोस्त को पकड़ लिया है और उसने हमें सब कुछ सच सच बता दिया है। राजकुमार इसने हमें सब कुछ सच सच बता दिया है कि तूने कैसे नीलम के मोबाइल को तोड़कर ढाबे के पास फेंक दिया था। अब तो सच बता दे कि नीलम कहाँ है। सर मैं सच कह रहा हूँ, नीलम घर छोड़ के भाग गई। वो जब घर से भागी थी तो उसका फोन वहाँ छूट गया था और वो तो मैंने सोचा कि अमर और धारा को फंसा दूंगा, इसलिए मैंने वो फोन जो है ना ढाबे पे तोड़ के फेंक दिया था। देख इससे मैं तुझसे कह रहा हूँ सच बोल दे। तेरे दोस्त ने हमें ये बताया कि तूने कैसे नीलम के मोबाइल को तोड़कर ढाबे के पास फेंक दिया था अपने इस दोस्त की मदद से। तो नीलम ईशानी को लेकर कहाँ चली गई? शहर के बाहर वो गई नहीं तो क्या उसे जमीन निगल गई या आसमान खा गया? बोल। सर सर मुझे पता नहीं, जितना पता मैंने बता। सर मुझे देर हो रही, मुझे जाना है। चल। राजकुमार। जी सर। इसकी निगाहें बार बार उधर क्यों भाग रही हैं भाई? एक काम करो, कुछ लोगों को बुलाकर जरा वहां पे खुदाई तो करवाओ। अरे सर ऐसा क्या? सर तेरे जिंदगी का इतिहास उसमें खुद के निकलेगा। हुँ? हम पहुंचाएंगे ना तुझे वहां पे, खुदाई चल रही है, तेरा इतिहास बाहर निकलेगा ना, चिंता मत कर। बता क्या हुआ था उस रात और ईशानी कहाँ है?
कौन हो तुम? पता चल जाएगा। मेरे कमरे में क्या करो, निकलो यहाँ से बाहर। पैसे दिए हैं मैंने आदिल को। निकलो यहाँ से बाहर। कहाँ? यहाँ से बाहर। किधर भाग रही है? देख, तेरी इतनी कमाई से चलता नहीं मेरा। ये काम तो तुझे करना ही पड़ेगा। खटिया बनने के भी एक हद होती है, शर्म भी आती ना तुम्हें? घटिया इंसान, मैं पुलिस वाला किस्सा बताऊंगी। मम्मी, पापा, पापा मम्मी को मत मारो। इशानी, इशानी बाप, बाप, मम्मी को मत मारो। इशानी बाप, इशानी बाप, बाप, इशानी बाप। अरे उसने देख लिया है, पकड़ उसको। मैंने आदिल को चाकू मार दिया है, मैं ईशानी को लेकर जा रही हूँ। आदिल क्या है ये? लेना मार। अरे लग जाएगी भाई। देख, किसी को शक भी नहीं होगा कि ये सब हमने किया है। और यहां से निकल के ईशानी को, उसने हम दोनों को देख लिया है, उसका मिलना बहुत जरूरी है। चल मार, मार। अरे तेरी बीवी थी ये, कितनी बुरी तरह मारकर दफना दिया तूने? बीवी नहीं थी मेरी वो, मैंने कौन से निकाह किया था। रिश्ता दिल से बनता है, चाहे निकाह हो या शादी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम जैसे जाहिलों को कौन समझा सकता है? बस हर किसी का फायदा उठाना चाहते। तूने इस मासूम का कत्ल नहीं किया, तूने मेरे भरोसे का भी कत्ल किया है। मुझे पता होता कि बड़ा होकर तू ऐसा करेगा
तो बचपन में ही तेरा गला दबा देता, मैं गला दबा देता। सर 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 एक बार छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए सर, प्लीज छोड़ दीजिए। कानून इसको जो सजा देना होगा देगा, लेकिन ऊपर वाला भी तुझे कभी माफ नहीं करेगा। साहब आपसे गुजारिश है, फिर इस मासूम बच्ची को ढूंढिए, जाने किस हालत में होगी वो। किस मिल जाएगी आपकी बच्ची, मिल जाएगी। ले चलो इसे। नहीं पता है, देख तुम दोनों लोग ईशानी को ढूंढने निकले थे, हमने सारे एनजीओ हॉस्पिटल सब जगह चेक करवा लिया है, लेकिन ईशानी हमें नहीं मिली। अगर तुम दोनों में से किसी को मालूम है तो सच सच बता दो, वरना हर घंटे ऐसे ही तुड़ाई करूंगा। क्या हुआ राजकुमार? सर पूरे डिपार्टमेंट में ईशानी की फोटो भेजी थी, और अभी अभी पता चला है कि उसे एक वैन में देखा गया है जो कि बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा है। अच्छा आ जाओ। लो बेटा पानी पी लो। शाबाश शाबाश बेटा। तूने इसे ढूंढने के लिए भेजा था ना, ईशानी इसे मिल भी गई थी। अंकल मुझे छोड़ दो, अंकल छोड़ दो मुझे। अंकल मुझे छोड़ दो। और वो क्या बोलते हो तुम लोग इन्हें? हाँ मैडम जी, इसने ईशानी को मैडम को बेच भी दिया था, और ये मैडम ईशानी के साथ साथ और 5-6 बच्चियों को ले जाकर बॉर्डर पार करने वाली थी। हमने धर दबोचा, पुलिस से कोई बच नहीं सकता। अब तुम दोनों की सारी जिंदगी जेल में सड़ेगी। ले जाएंगे। साहब अल्लाह का शुक्र है कि आपने इस बच्ची को ढूंढ लिया। सलीम साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अब से इस बच्ची को हम सब मिलकर पालेंगे, और इसका ख्याल भी रखेंगे। जी जरूर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस दुनिया में प्यार एक ऐसी खूबसूरत चीज है, लेकिन अगर वो गलत इंसान से हो जाए तो फिर वो जानलेवा साबित हो सकता है। नीलम अपने प्यार को, अपनी जिंदगी को, अपनी शादी को दूसरा मौका देना चाह रही थी। ईशानी को बाप का साया देने की कोशिश में उसके सर पर से माँ का आंचल भी उजड़ गया। उस छोटी बच्ची ने इस छोटी उम्र में इतने भयानक दृश्य देख लिए थे जिसे वो शायद जिंदगी भर नहीं भुला पाएगी। इसीलिए नए रिश्ते और नए इंसान की तरफ कदम बढ़ाने से पहले उसे अच्छी तरह से जांच परख लीजिए। खुश रहिए और दूसरों की खुशियों का ख्याल रखिए। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। जय हिंद।